2 दिन पहले इस देश का प्राइम मिनिस्टर ने पास में रामलीला ग्राउंड में लाखों लोगों के सामने खड़े होके बहुत बड़े झूठ बोले, बच्चों वाले झूठ। मतलब उन्होंने बोला कि हमारा सरकार ने कभी NRC के बारे में कुछ नहीं बोला। उनको पता था कि 1 मिनट में इंटरनेट में उन्हीं का अपना वीडियो निकलेगा। जब वो NRC का जिक्र कर रहे थे वेस्ट बंगाल में, उन्होंने कहा कि हमारे देश में डिटेंशन सेंटर नहीं है। उनको पता था कि उसका फोटो है, उसका बजट है, NRC का बजट, NPR का बजट, सब कुछ निकला हुआ है। लेकिन उन्होंने झूठ क्यों बोला, ऐसा झूठ क्यों बोला, जबकि उनको पता था कि एकदम पकड़ा जाएगा। इसीलिए बोला क्योंकि गोदी मीडिया उनके पास है। हम लोग सब हंसेंगे, लेकिन ये मीडिया वाले ने 1 घंटे का स्पीच ब्रॉडकास्ट किया, कभी नहीं बोला कि ये झूठ बोले, और ये स्पीच वहाँ पहुँचाया जहाँ इंटरनेट नहीं है, जहाँ लोगों को पता नहीं है कि क्या हो रहा है। तो ये एक सरकार है जिसको सबसे मजबूत किया है मीडिया ने। आप में से बहुत लोग होंगे उनके साथ, बहुत लोग होंगे हमारे साथ, लेकिन आपको शर्म आना चाहिए। और जैसे अभी मेनस्ट्रीम मीडिया में हम लोग सब सुन के हंस रहे हैं, क्योंकि BJP का पॉलिटिशियंस कह रहे हैं कि आप जहर मत फैलाइए, हम मुसलमान के खिलाफ नहीं हैं, हमें कह रहे हैं। और सोशल मीडिया में बिल्कुल जहर फैला रहे हैं अभी भी। अब बोलने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है यहाँ पे, तो मैं सिर्फ ये NRC, CAA और NPR के बारे में बोलना चाहती हूँ। मैं आसाम गई थी, वहाँ पे गांव-गांव में, ये छोटे छोटे गांव में गई थी, वहाँ पे NRC का जिक्र तो 1971 से है, समझ गए ना? तो वहाँ पे लोग अपना डॉक्यूमेंट्स बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं, गाय से ज़्यादा, खेत से ज़्यादा। वहाँ जाओ, गांव में जाओ तो कुछ भी नहीं है, मतलब इतना भूख है, इतना कम पैसे हैं, लेकिन सबके पास ये प्लास्टिक बैग में अपना डॉक्यूमेंट्स रखा है। ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आते हैं, लेकिन उनको ये पता है कि बच्चों को मत बचाओ, लेकिन डॉक्यूमेंट्स कैसे बचाओ। और इतना प्रेपरेशन के बाद भी 20 लाख लोग, 19 लाख पीपल आर आउट ऑफ दी NRC, ओके? उसमें से बहुत सारे मुसलमान नहीं हैं, क्योंकि मुसलमान डर के मारे अपना डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किया है। बाकियों ने सोचा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन उनके पास कुछ नहीं है। अब CAA आए हैं, तो जो एक्चुअल नागरिक है वो क्या अपने आप को घुसपैठी साबित करके फिर मतलब नागरिक बन सकता है? नहीं बन सकता। और उनके पास खाने का पैसा नहीं है, लेकिन वकील को हायर करना पड़ेगा, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में जाना पड़ेगा। तो ये जो कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है, हाँ उनके खिलाफ ये बिगटरी है, लेकिन ये गरीबों के खिलाफ है, आदिवासी के खिलाफ है, दलित के खिलाफ है, और हम सबको एक उलझन में डालने का एक प्लान है। सॉरी। तो जैसे अरुण कुमार जी बोल रहे थे, अब एक डिटेंशन सेंटर बन रहा है आसाम में, एक डिटेंशन सेंटर 3,000 लोगों के लिए, उसका बजट 45 करोड़। अब वहाँ 20 लाख लोगों को डिटेंशन सेंटर बनाना है तो कितना करोड़ लगेगा? तो पूरा इंडिया में यही काम करेंगे तो कितना करोड़ लगेगा? ये पूरा प्राइवेटाइज करके कौन सा कॉरपोरेशन के हाथ में जाएगा, ये सब सोचने की बात है। लेकिन क्योंकि हमें अभी पता है कि हमारा पूरा इकोनॉमी को ख़त्म कर दिया, डीमोनेटाइजेशन को लेके ख़त्म कर दिया हमें, इसका अर्जेंसी हम वो बता भी नहीं रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ भी झूठ बोलते हैं, वहाँ भी स्टेटिस्टिक्स गलत है। लेकिन बहुत ही
जैसे उनका खुद का इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा कि इंडियाज इकोनॉमी इज इन एन आईसीयू, अभी वो कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने में लगे हैं, लेकिन इस टाइम में एनपीआर क्या है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, एनपीआर पहले भी हो चुका है, लेकिन एनपीआर ये है कि वो आपका घर आएंगे, कुछ नहीं पूछेंगे, आपका नाम क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, कोई डॉक्यूमेंट दे दो, हमें आधार कार्ड दे दो, ड्राइविंग लाइसेंस दे, कुछ भी दे दो, कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन एनपीआर एनआरसी का डेटाबेस बनेगा, हाँ आने लगे हैं, तो हम लोग वैसे हमको लड़ना चाहिए, रोज़ लड़ना चाहिए, लेकिन इनके खिलाफ हम चार साल रोज़ हम नहीं लड़ सकते ना, तो क्या करेंगे हम, एक तो इनको चार साल देना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पास एक प्लान भी होना चाहिए, जब आपके घर में आएंगे एनपीआर लेके, जब आपको अपना नाम पूछेंगे, आपको दूसरा नाम दे दो, हम लोग पांच नाम तय करते हैं, रंगा बिल्ला रख दो या कुंफू कुत्ता रख दो, सेवन रेस कोर्स रोड एड्रेस दे दो, और एक फोन नंबर तय कर लेते हैं हम, लेकिन बहुत सारा सबवर्जन को करना पड़ेगा हमें, सिर्फ लाठी खाने और गोली खाने के लिए नहीं पैदा हुए हैं हम, और भी सोच के करना पड़ेगा, लेकिन वी रियली हैव टू हैव अ प्लान, यू नो, बिकॉज जैसे CAA इन्होंने पार्लियामेंट में पास किया, ये NPR और NRC को पास करने का ज़रूरत नहीं है, उनका इजाज़त है, वो शुरू हो गया वो काम, अब 10 स्टेट में चीफ मिनिस्टर्स ने बोला है कि हम नहीं करेंगे इसको, हम एक्चुअली वी हैव टू गेट अ प्रॉपर कमिटमेंट फ्रॉम ऑल दी स्टेट्स, वी हैव टू मेक श्योर, क्योंकि अब ये CAA के खिलाफ इतना प्रोटेस्ट हो गए NRC के खिलाफ, तो अभी वो दूसरा दरवाजे से घुसना कोशिश करें NPR लेके, सो द थिंग इज दैट वी आर इन अ सिचुएशन, ये देश बचेगा नहीं, इकोनॉमिकली नहीं बचेगा, सोशली नहीं बचेगा, लीगली नहीं बचेगा, क्योंकि ये कौन सा देश है, यहाँ पे 700 से ज़्यादा भाषा बोला जाता है, सब किस्म के लोग, यूरोप से भी ज़्यादा व्यापक देश है, वी हैव मोर लैंग्वेजेस, नेशनैलिटीज, कम्युनिटीज, रिलीजन्स देन द होल ऑफ यूरोप, व्हेन आई रोट अबाउट दिस लास्ट मंथ आई सेड दैट द डिफरेंस बिटवीन द RSS एंड द नाज़ीज इन जर्मनी belonged to Germany and they wanted to impose their ideology on a continent, on a world. But we are a continent and they want to reduce us into a single place. You know? This, ye jo inka hai na, one tax, one language, one religion, Hindi, Hindu, Hindustan jo kehte rehte ho, wo bhi Farsi shabd hai. मतलब इतना भी नहीं है उनके पास, लेकिन तो हमें सड़क पे भी लड़ना है, सारे स्टूडेंट्स यूनियंस ABVP को छोड़ के, या उनको आना है तो उनको भी बुला लेंगे, लेकिन सबको एक साथ, हमें एक प्रोग्राम बनाना, कल बनाया था कुछ लोगों ने, बहुत अच्छा, लेकिन सोच समझ के कि ये जो लड़ाई है किसी के, मतलब हम लोग सब साथ में हैं, लेकिन हमला सिर्फ एक कौम के ऊपर हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है, UP में ऑलरेडी 22 लोग मर गए, 24, और जैसे AMU में इन्होंने और जामिया में जो स्टन ग्रेनेड छोड़ा है वो सिर्फ एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में यूज़ होता है, हाउ कैन यू यूज़ इट ऑन स्टूडेंट्स, How can you even think about this? You know, I've always said that these people,
दे आर नॉट अगेंस्ट इंटेलेक्चुअल्स, दे आर अगेंस्ट एवरी फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस, यू नो, अगेंस्ट एवरी फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस. इवन इन द इकोनॉमी देर आर मेनी पीपल इन दिस कंट्री हु कुड डील विद इट, बट दे आर हॉस्टाइल टू एवरी फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस. जो इनके रिएक्शन आ रहे हैं सरकार के, जिस तरह से ये इसको पूरा कर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस बात की पुष्टि है कि जो आवाज़ उठा रहे हैं आप लोग, जो शुरुआत हुई है एक रेवोल्यूशन की, मेरे हिसाब से वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है. क्योंकि ये लोग तभी घबराते हैं, इनको एकदम से लगता है कि अरे ये तो किसी ने पकड़ लिया, ये तो कोई समझ गया है कि हम कहाँ दबाने वाले थे, कैसे हम परेशान करने वाले थे, हमारा क्या गेम था, ये तो खड़े हो गए. और स्टूडेंट्स इनको खास दिक्कत हो, तो अभी सबसे बड़ा दुश्मन आप हैं. ये बीच बीच में नैरेटिव चेंज कर रहे हैं, जैसे फाद ने भी बोला, जो सब लोग बात कर ही रहे हैं कि इसका नैरेटिव कभी हिंदू मुसलमान बना रहे हैं, कभी 10 तरह के इन लोगों की अपनी कहानियाँ ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है. इनकी मेन दिक्कत आप लोगों से, इन लोगों की, मैं पहले भी बोल चुका, इन लोगों की खास दुश्मनी होती है लाइब्रेरी से. इनको नफरत है लाइब्रेरी से. ये इनको कोई आदमी पढ़ता भी दिख जाता है तो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब जो है अंदर उसके मारते हैं. तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट से इन लोगों को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि अगर आदमी पढ़ गया तो भाई फिर तो वो सवाल करेगा, वो आवाज़ उठाएगा. ये इनको बिल्कुल पसंद नहीं है. इनको क्या पसंद है? इनको पसंद है आँख पर पट्टी बांध के आदमी आए और आके बस चलता रहे. क्या आवाज़ पहुँच नहीं रही है? ये तो मुझे इतनी तेज़ आ रही है. अच्छा, पीछे आवाज़ नहीं पहुँच रही, आ रही है आवाज़? हाँ भाजी, आ रही है आवाज़? सब चंगे जी नहीं? चलो ठीक है. तो हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ, तो यूनिवर्सिटी से इनकी खास दिक्कत है. और यूनिवर्सिटी में इन्हें वैसे ही लोग पसंद हैं जो, मतलब मैं तो कल था नहीं, विटनेस नहीं किया, पर कल जिस तरह के प्रोटेस्ट की बात हो रही है, आई थिंक ये मुझे पता नहीं, मेरी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर यहाँ समझदार लोग बैठे हैं वो बताएंगे. ऐसा दुनिया में कभी हुआ है क्या कि सरकार ने एक लॉ पास किया उसके फेवर में प्रोटेस्ट हो रहा हो? मुझे मालूम नहीं है, मतलब मैं उतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ. इसका मतलब समझ में आ रहा है ना, इसका मतलब डर अंदर तक बैठ गया है. अपने लोगों को बोल के जाओ हमारे फेवर में प्रोटेस्ट करो, तो मुश्किल है. और ये जो आग लगी है इसको लगाए रखना है, सबको खड़े रहना है, और ये करेंगे, थकेंगे. एक बड़ा अच्छी बात एक आदमी ने बोली थी कि भाई मसला क्या है कि ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी ताकतें जो हैं, ये बड़ी पुरानी है, ये बूढ़ी हो चुकी है, स्टूडेंट जवान है. अब एक 45 साल का आदमी ना शायद लट चला चला के गाली बक बक के थक जाएगा, 20 साल का आदमी बोलेगा हाँ पड़ गई लट, कोई बात नहीं, चलो हाँ क्या हुआ था. तो ये लड़ाई जो है ये हमें जारी रखनी है, जीतेंगे हम. स्टूडेंट्स के पास जो ताकत होती है उसके सामने कोई भी ताकत खड़ी नहीं हो सकती, और ये इन लोगों को शायद हम लोगों से ज़्यादा बेहतर पता है, तभी कर्म कर रहे हैं. तो मैं बस ये बात ख़त्म करूँगा, एक पाश साहब की एक कविता है मेरे पास पढ़ी है, पढ़ देता हूँ. ये छोटी सी है, घबराइए मत, ज़्यादा लंबी वाली नहीं है जी. आप सबने सुनी होगी आई थिंक, ये स्टूडेंट और जिस तरह से अभी चल रहा है उसके साथ बिल्कुल जाती है, उसके साथ साझा करते हैं हम ये. मैं घास हूं, मैं घास हूं, मैं आपके हर किए धरे पर उगाऊंगा. बम फेंक दो चाहे विश्वविद्यालय पर, बना दो हॉस्टल को मलबे का ढेर, सुहागा फिरा दो भले ही हमारी झोपड़ियों पर. मेरा क्या करोगे, मैं तो घास हूं, हर चीज पर उगाऊंगा. बंगे को ढेर कर दो, संगरूर मिटा डालो, धूल में मिला दो लुधियाना जिला, मेरी हरियाली अपना काम करेगी. 2 साल 10 साल बाद सवारियां फिर किसी कंडक्टर से पूछेंगी, ये कौन सी जगह है, मुझे बरनाला उतार देना जहां हरे घास का जंगल है. मैं घास हूं, मैं अपना काम करूंगा, मैं आपके हर किए धरे पर उगाऊंगा. थैंक यू.